सकते हो महिंद्रा थार की फर्स्ट सर्विस हो रही है 1000 किलोमीटर वाली। इसमें सबसे पहले एयर फिल्टर साफ हुआ है, उसके बाद में कूलेंट को टॉपअप किया गया है और टायर्स की हवा को फुल किया गया है। आगे का प्रोसेस आपको पूरा पता चल जाएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये भैया लोग अपडेट कर रहे हैं स्कॉर्पियो एन में, इश्यू अपडेट आ रखा है इसमें। आपके पास भी स्कॉर्पियो एन है तो आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाके चेक करा लीजिए, कोई अपडेट तो नहीं आया। तो इसमें हवा को टॉपअप किया जा रहा है टायर्स के अंदर, पीछे के टायर्स के अंदर कर दिया गया सारों में। फर्स्ट सर्विस में जर्नल चेकअप होता है सिर्फ, गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं होता। और इधर देखिए स्कॉर्पियो एन में अपडेट चल रहा है, इश्यू अपडेट आ रखा है स्कॉर्पियो एन में। तो आपके पास भी स्कॉर्पियो एन है तो आप चेक करा लीजिए जल्दी से जल्दी। हेलो गाइस, आप देख सकते हो जर्नल का चेकअप कंप्लीट हो चुका है थार का, और अभी हम टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा। और ये हमारे टेस्ट ड्राइवर वाले भैया पूरी गाड़ी को चेक करेंगे अच्छी तरीके से, कहीं कोई आवाज वगैरह तो नहीं आ रही, ब्रेकिंग वगैरह सारा कुछ चेक कर रहे हैं। ब्रेकिंग वगैरह टेस्ट, दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसी लगी आपको नीचे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर दीजिए। टेस्ट ड्राइव में पूरी गाड़ी का पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मेरे को थोड़ा इसके अलाइनमेंट में इशू लग रहा था, लेकिन भैया ने बोला है कि वो उसका चार्ज पे करना पड़ेगा 1000 किलोमीटर पे। टिप्पर टिप्पर के अनुसार गाड़ी जा रही है, अलाइनमेंट को कोई इश्यू नहीं, गाड़ी की रोड की टेपर अगर उड़े नहीं तो गाड़ी उड़न चल जाएगी, ठीक है। और टेपर अगर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड चली जाएगी, राइट साइड में तो राइट साइड चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई है ना, अपनी जो हैगी रोड है ना वो सारी लगभग टेपर में ही है, थोड़ा ढलान में, ठीक है। हाँ तो ढलान होगा तो अपने आप ही जाएगी गाड़ी, ठीक है। इसका जो है ना एक्चुअल में पता चलता है कि जैसे अपन हाईवे वगैरह पे लेते हैं गाड़ी को, कल 6 लेन पे थी ये, चला रहा था मैं, ठीक है। तो ये थोड़ी है गई मेरा छोड़े, देखो एक बात होता हूँ, आप ना साइड कैसे मतलब कैसे चेक करते हो, छोड़ देते हैं फिर ये धीरे धीरे चलाते हो, है छोड़ के कितनी चलाते हो, ज्यादा तो नहीं चलाई, ठीक है। अपन अभी ये चल रही है, ठीक गाड़ी चल रही है, भी चल रही है एकदम स्ट्रेट चल रही है, धीरे धीरे टेपर आ गई, साइड में चली गई, ठीक है। साइड जाना क्या होता है कि मतलब अपन स्टेयरिंग को छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते मतलब कैसे कि जैसे कि गाड़ी का स्टेयरिंग है उसको अपन चला रहे हैं, उसको छोड़ते गाड़ी ऐसे ऐसे चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो वो होता है साइड जाना, और साइड भी ऐसे नहीं कर सकते अपन गाड़ी साइड जा रही है, उसके लिए पहले एयर प्रेशर चेक करो गाड़ी के टायर का, ठीक है। एयर प्रेशर अगर ओके है फिर गाड़ी अगर छोड़ते ही ऐसे जा रही है तो साइड जा रही है, अलाइनमेंट आउट है इसलिए वो साइड जा रही है। अगर प्रेशर ही सही नहीं है, ठीक है, ये जो राइट साइड के टायरों के अंदर प्रेशर ज्यादा है, लेफ्ट साइड के टायरों के अंदर प्रेशर कम है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड जाएगी ऑफ कोर्स गाड़ी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ट्रायल लेके आ चुके हैं हम, गाड़ी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ओके है, अब ये वॉशिंग के लिए जाएगी।
देख सकते हो पूरी गाड़ी में हवा मारी जा रही है अच्छी तरीके से। गाड़ी को अंदर बॉडी क्लीन करेंगे। तो गाइस आप इंजन को कभी वॉश मत कराइए, इसमें सिर्फ हवा ही मरवाइए इंजन में, क्योंकि आप इंजन को वॉश कराओगे तो कोई सेंसर खराब हो सकता है। ये दोस्तों अब ये बंदा इंजन के अंदर हवा मारेगा अच्छी तरीके से। इंजन हुड ओपन कर लिया इन्होंने, अब इसके अंदर अच्छी तरह के हवा मारेगा। ये महिंद्रा थार को ऊपर उठा दिया गया है और अब इसके ऊपर उठा के वॉशिंग कर रहे हैं अच्छी तरीके से। लाग जाम तो थोड़ा घनो पानी, कोई दिक्कत नहीं। ये भैया वॉशिंग कर रहे हैं ऊपर उठा के गाड़ी की। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।